नमस्कार दोस्तों, ये जो चार पाई है, इस डिज़ाइन की जो हमने चार पाई तैयार की थी, इसके जो ये सेंटर में जो ये डिज़ाइन रखी थी हमने, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, इस डिज़ाइन की शुरुआत करने के लिए हमने शुरुआत से आप देखिए, यहाँ पे सेंटर में एक रस्सी दबाई थी, उसके बाद में तीन रस्सी, फिर पाँच रस्सी, फिर तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाई, फिर तीन रस्सी दबाई, उसके बाद में तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाई, फिर तीन रस्सी दबाई, और आगे हमने तीन रस्सी दबाकर पाँच रस्सी उठाई, फिर तीन रस्सी दबाई, फिर हमें आगे हमने तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाई, एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाई, फिर तीन रस्सी दबाई। तो इस प्रकार से ये जो डिज़ाइन है वो हमने स्टार्ट की। उसको स्टार्ट करने के बाद में ये जो लहर है आप देख लीजिए, ये लहर इस साइड में चलाई, तो इसमें देखिए आप कितनी लहर चलाई है। इसमें हमने पहले यहाँ पे एक छोटी सी डिज़ाइन बना ली है और यहाँ पे ये इस प्रकार की ये जो लहर है इस प्रकार से लहर चलाई, फिर उसके बाद में ये जो लहर है आप देखिए डबल घुंडी वाली, जो ये डबल फूल वाली डबल क्रॉस फूल है, ये इस प्रकार की ये जो लहर है वो चलाई है। उसके बाद में हमने ये जो छोटे फूल की जो ये लहर है इस प्रकार की, इस लहर को यहाँ पे चलाया है, और उसके बाद में हमने ये बीच में जो सेंटर है इसमें ये जो डिजाइन तैयार की है। तो ये एक हमने इस चार पाई के अंदर दो डिजाइन तैयार किया है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस प्रकार से ये जो डिजाइन हमने इसमें तैयार करके आपको दिखाई है, और इसको सेंटर से इस साइड में जिस प्रकार से बनाया है उसी प्रकार से हमने इस साइड में बनाया है। तो इसका ताना किस प्रकार से बनाया है और इसको पूरी बनाने का जो प्रोसेस वो कैसा था, उसकी सारे मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने ये और चार पाई बनाई है, मैं उसका भी वीडियो इसी में दिखा रहा हूँ, आप उसको भी देखें। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो डिजाइन है ये नाम वाली चार पाई है, आप देख लीजिए। इसमें हमने जो शुरुआत में इस प्रकार से ये जो लहर है वो लहर यहाँ से लेके यहाँ तक चलाई है इस प्रकार से, ये देखिए ये जो लहर है यहाँ पे चलाई है, और इसके ऊपर जो हमने इस प्रकार की ये जो लहर है इसको चलाया इस प्रकार से, देखिए। तो पहली लेयर हमने ये जो ऊपर की है ये लेयर चलाई है, और दूसरी जो ये है इस लेयर को चलाया है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाएं तो हमने यहाँ पे जो ये नाम है वो लिख के बताया है, आप देख लीजिए प्रकाश नाम लिखा है, उसके नीचे हमने नंबर भी लिखे हैं। हम नंबर को हाइड रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो मैं उसका नंबर नहीं बता पा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कॉल आते हैं और इतना टाइम नहीं होता है। तो आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा जो हमने ये जो पहले जो शुरुआत की है, आप किसी भी अक्षर की अगर शुरुआत करना चाहते हो तो पहले आप यहाँ पे एक रस्सी दबाए, फिर तीन रस्सी दबाए, और उसके बाद में पांच रस्सी दबाए, चाहे कोई भी नाम है आप इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको जिस प्रकार से आपको नाम को चलाना है उस प्रकार से इस डिजाइन को घुमाना होगा। तो हमने इस प्रकार से ये जो नाम चलाया, तो हमने यहाँ पे पी बनाया है आप देख लीजिए, उसके बाद में हमने यहाँ पे आर बनाया इस प्रकार से, और फिर हमने यहाँ पे ए बनाया है, और आगे हमने देखिए के किस प्रकार से बनाया है। तो आप ये पूरी जो ये जो अक्षर है उसको अगर बनाना चाहते हो इंग्लिश में, तो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाकर बताऊंगा, आप उसमें भी देखिए। और शुरू से लेकर लास्ट तक मैं एक ऐसी चारपाई बनाऊंगा जिसमें ए से लेकर जेड तक टोटल अक्षर में आपको उस चारपाई के अंदर लिख कर बताऊंगा। तो आप अगर उस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की चारपाई या डिजाइन बनाकर बताऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम ये जो डिजाइन है यहाँ तक समाप्त करते हैं, आगे की जो डिजाइन है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आप इस प्रकार से ये जो डिजाइन है आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने तैयार की है।